अपने किचन में नाश्ता पानी कर लिया है, पूजा पाठ भी कर ली है और चलिए अब लंच बना लेते हैं। लंच पे सोच रहे हैं कि आज कढ़ी बना लें, तो चलिए आज कढ़ी बना लेते हैं। छोटी हरी मिर्ची और 5 से 6 कली लहसुन की लेके पीस लेते हैं। ये सिल मैं खरीद के लाई थी तो मेरे बहुत ही काम आ रही है। ये छोटी सी सिल है देखिए, और बहुत ही काम आ रही है, आराम से प्लेटफॉर्म पे रखी रहती है और बहुत ही इस्तेमाल में आ रही है थोड़े थोड़े मसाले पीसने के लिए। तो रसाज की कढ़ी बनाने के लिए या दाणे की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। और फिर अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा, मतलब आधा गिलास और डाल दिया है। और हाँ, अब इसको अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि कोई बेसन की गुठली वगैरह इसमें ना रहे। और बहुत ही अच्छे से इसको फेंट लीजिए, आराम से फेंट जाता है। और इधर देखिए, मैंने गैस जला दी है और इस पे जो है कढ़ाई भी चढ़ा दी है और कढ़ाई में भी तेल डाल दिया है और एक थाली में भी थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, मतलब कि तेल चारों तरफ उसके फैला देंगे। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, डाल दिया है पिसी हुई मेथी, डाल दी है और हल्दी डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। तो वो गरम मसाला थोड़ा सा इसमें ऐड नहीं हो पाया। और फिर जो मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, नमक डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो जो सब्ज़ी बनाने में जो मसाले हम लोग डालते हैं वही आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे से इनको भून लीजिए। तो तेल गरम था ही, तो बस 2 मिनट में ये भून जाएंगे और उसके बाद जो ये अपना बैटर घोल के रखा है इसको जो है इसमें डाल देंगे। और फिर इसको जो है चलाते हुए पकाना है, मतलब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, चलाते हुए पकाना है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसको जो है आप चलाइए और मतलब जब तक ये खदके ना, और खदक के ये जो है मतलब पक पक के ये गाढ़ा हो जाएगा, तब तक हमें इसको चलाना है, चलाते हुए ही पकाना है इसको। तो देखिए इसको चलाते हुए पकाना है और देखिए कैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है और बिल्कुल भी इसमें गुठली वगैरह नहीं पड़ी है क्योंकि इसको चलाते हुए पका रही हूँ। और देखिए ये मतलब पक गया है अच्छे से और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है, बिल्कुल पेस्ट, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो गया है। और अब जो है इसको उतार लेंगे और अब जो तेल लगा के थाली रखी थी तो उसी में इसको जो है सेट कर देंगे। और बिल्कुल आराम से सेट कर दीजिए इसको, इतनी जल्दी ये जमता नहीं है, आराम से इसको जो है फैला दीजिए इसी थाली में तो ये अपना सेट हो जाएगा। तो देखिए थाली में कैसे ये बर्फ़ी की तरह बिल्कुल जम गया है और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल जम रहा है ये। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे या हवा में मतलब रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए जब तक अपना मटेरियल सेट होता है तब तक छोटे काम निपटा लेते हैं। तो दूध वाले भैया आ गए, दूध लेके आई हूँ और अब दूध भी छान के चढ़ा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी बेसन लिया है और एक बड़ी कटोरी दही लिया है। दही ये घर का ही है तो अच्छे से खट्टा है, मतलब जब तक कड़ी खट्टी ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो दही अच्छे से खट्टा है और फिर इसको भी अच्छे से फेंट लेते हैं, बिल्कुल लम्स और गुठली वगैरह ना रह जाए। और फिर ये दही वाली कटोरी में ही मैंने पानी भर के डाल दिया है जिससे कि जो इसमें दही है वो भी इसी में मिल जाएगा। और एक कटोरी और डाल दिया है, यानी कि 2 कटोरी पानी डाल दिया है, 1 कटोरी दही लिया है और 1 मीडियम कटोरी बेसन लिया है। तो इस सबको मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और देखिए कितनी अच्छे से ये मिक्स हो गया है।
तो देखिए अपना मटेरियल बिल्कुल सेट हो गया है और एक कढ़ाई में मैंने अच्छे से तेल डाल दिया है और अब इनके पीस कर लेते हैं। तो देखिए इनके पतले पतले पीस कर लेते हैं और देखिए कितनी आराम से ये जो है निकल रहा है। तो थाली में थोड़ा सा तेल लगा दिया था और थोड़ा सा हवा में रख दीजिए तो बढ़िया सा ये सेट हो जाता है। तो चलिए अब इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, मतलब पतले पतले पीस कर लेते हैं और इनको फिर जो है फ्राई करते हैं। तो देखिए इनके यहाँ पे पतले पतले पीस कर लिए हैं, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे। तो पीस देखिए कितने अच्छे भी लग रहे हैं और बढ़िया सा ये सेट भी हो गया है और इधर देखिए तेल भी हो गया है। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। हाँ, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए तो ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, मतलब अच्छे से भुन जाते हैं। तो कुछ लोग एकदम सिंपल बनाते हैं, लेकिन आप अगर मसाला डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और कसूरी मेथी डाल दी है तो उससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मसाले डाल के बनाती हूँ, जिससे कि टेस्ट मतलब बहुत ही बढ़िया आता है। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे और फिर जो है आराम से इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरे से भुन गए हैं और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और मैं तो बनाती हूँ तो जैसे निकालती हूँ वैसे ही खाने की डिमांड होने लगती है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो नॉर्मल जो पकौड़ी वाली कढ़ी बनती है उससे ये कढ़ी मतलब बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और हमारे यहाँ तो सबको पसंद आती है। और फिर अपना अपना स्वाद है और अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपने ऐसे नहीं बनाई है तो ज़रूर आप इसको एक बार बना के खाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखिए सारे जो है दाणे निकाल लिए हैं मैंने, फ्राई कर लिए हैं, इनको फ्राई करके रख दिया है और मेरे बेटे की डिमांड हो रही है कि मम्मी कब दोगी मुझे, तो इसीलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना लिए हैं कि सूखे भी ऐसे ही खा लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये। और फिर चलिए फटाफट दूसरे काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ चावल भी धो के रख दिया है और कुछ बर्तन पड़े थे तो उनको भी साफ करके रख देती हूँ, तो जल्दी से फटाफट कढ़ी चावल वगैरह रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब कढ़ी छौंक देते हैं और अपना जो है घोल तैयार रखा ही है। और मैंने इसमें कढ़ाई से थोड़ा सा तेल कम कर दिया है, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और मैं पिसी हुई मेथी का इस्तेमाल करती हूँ, और लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है और फिर थोड़ी सी एक चुटकी हींग भी डाल दी है। तो अब लहसुन मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और मैं अक्सर खाने में पिसी हुई मेथी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और फिर जो ये अपना घोल रखा था इसको डाल देंगे। और फिर यहाँ भी वही प्रोसेस है, इसको चलाते हुए ही पकाना है, जब तक ये पके ना इसको चलाते ही रहना है। तो देखिए घोल भी डाल दिया है और अब इसको कढ़ाई में चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो कहते हैं कि अगर आप चलाइए नहीं तो दही फट जाता है, इसीलिए चलाना ज़रूरी है। और पानी भी कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और अब इसको बस चलाना है और चलाते हुए ही पकाना है जब तक ये उबलने ना लगे। और खाने में अक्सर मतलब पीसी मेथी यूज करती हूँ तो बच्चों को पता भी नहीं चलता और खा लेते हैं, वैसे मेथी के दाने आते हैं तो कड़वापन सा लगता है तो वो सब्जी से निकाल देते हैं। और कढ़ी में तो मेथी और हींग का तो स्पेशल तड़का लगता ही है। तो चलिए देखिए अपनी कढ़ी का जो घोल है वो भी पकने लगा है और अब इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक भी शुरुआत में नहीं पड़ता है, जब ये पकने लगे मतलब उबलने लगे तभी इसमें नमक मिलाते हैं। और अब इसको फिर अच्छी तरह से मिला लेते हैं और देखिए कढ़ी भी अपनी खोलने लगी। जब तक कढ़ी खोल रही है तब तक जो है आटा लगा लेती हूँ। तो देखिए आटा गूंद गया है और आटा ये जो है ज्वार का आटा और गेहूं का आटा दोनों मैंने
मिक्स करके गूंद दिया है। और अब काट लेती हूँ थोड़ी सी सलाद, तो सलाद में खीरा, प्याज और चुकंदर काट लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे खीरा भी जो है देखने में बड़ा है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मीठा खीरा है। और चलिए मैंने गैस भी धीमी कर दी है, तो कढ़ी भी पकेगी। और कहते हैं कि कढ़ी जितनी पक जाएगी उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, तो आराम से इसको 10-15 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी खीरे के पीस कर लिए हैं और बढ़िया सा काला नमक डाल लिया है। तो चलिए बैठ के थोड़ी देर आराम से खीरा खा लेते हैं, फिर आते हैं किचन में। और खीरा खा के फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ देखिए कढ़ी भी अपनी हो गई है और मैंने धनिया भी काट के रख लिया है। और अब देखिए कढ़ी कितनी अच्छी सी पक गई है अपनी। और अब इसमें जो रसाद या दाणे जो बना के डाले रखे हैं वो डाल देंगे। और चावल भी बन गया है। और देखिए बन गई है अपनी कढ़ी, और अब बस इसमें ये डाल देंगे। तो चलिए अपनी कढ़ी बन गई है, चावल भी बन गया है और आटा भी लगा दिया है और सलाद भी काट के रख दी है। खाना बिल्कुल रेडी है और अब ये इसमें डाल दें। तो देखिए खोलती हुई कढ़ी में अब ये रसास जो है डाल देंगे। और अब ज़्यादा पकाना नहीं है, बस डाल के ऊपर से धनिया डाल देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। और उसी में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, जब ये मतलब तल के निकलते हैं तो भी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और अपनी कढ़ी बिल्कुल बन गई है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सब लोग। ज्वार के आटे की रोटी है, इसमें नॉर्मल आटा और ज्वार का आटा दोनों ही मैंने मिला दिया था। और कढ़ी बन गई है, चावल भी बन गया, बस अब रोटियां निकाल दें। और सलाद भी कट गई है। कढ़ी में डालने के लिए जो दाणे बनाई थी, कुछ रसाज भी बोलते हैं कुछ दाणे भी बोलते हैं, तो मेरा बेटा तो ऐसे ही सूखी खा रहा है। वो बोल रहा बिल्कुल मकैन जैसी लग रही है मम्मी ये, और वो ऐसे ही सूखी भी खा जाता है, इसीलिए मैंने ज्यादा बना ली थी। तो देखिए बन गई है कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल देख के तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है, तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो मैंने अपने लिए एक प्लेट लगा ली है, तो पहले कढ़ी और चावल खा के देख लेती हूँ, बाद में सबको खाना खिलाऊंगी। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा कढ़ी चावल प्लेट में लगा लिया है, और वाकई में दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर इस तरह से कढ़ी बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चावल हंडी में है, अभी निकाल लेंगे। तो कढ़ी चावल रोटी सलाद, और आज इसकी कढ़ी बनी है। तो मिलते हैं अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।